नमस्कार, मैं भव्य झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। राष्ट्रपति से मिले मोदी, 353 सांसदों के समर्थन पत्र के साथ सरकार बनाने का दावा पेश। एनडीए संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने रात को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलकर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। संसदीय दल की बैठक के बाद करीब 8:30 बजे मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे और राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति को एनडीए के 353 सांसदों का समर्थन पत्र देते हुए मोदी ने केंद्र में सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके बाद राष्ट्रपति ने उन्हें देश की नई सरकार बनाने का न्योता दिया। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, आज एनडीए की मीटिंग हुई थी। आप सभी जानते हैं कि एनडीए के साथ सांसदों और सभी राजनीतिक दलों ने समर्पण संपत्ति से नेता चुनकर के मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं एनडीए के सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ। एनडीए के सभी साथियों ने राष्ट्रपति जी को इस बात की जानकारी दी है। मैंने भी राष्ट्रपति जी से उनके चैम्बर में मुलाकात की है। राष्ट्रपति जी ने मुझे नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री पद का प्रमाण पत्र दिया है। मैं बहुत जल्द राष्ट्रपति जी के पास मंत्रिमंडल गठन से जुड़ी जानकारी पहुंचाऊंगा। इससे पहले मोदी को बीजेपी सांसदीय दल और एनडीए का नेता चुना गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, इसका सभी सांसदों ने समर्थन किया। बैठक में मोदी और शाह के अलावा राजनाथ सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उद्धव ठाकरे, नितिन गडकरी और नीतीश कुमार भी मोदी के साथ बैठे थे। इसके अलावा एनडीए की तरफ से मोदी के नाम का प्रस्ताव प्रकाश सिंह बादल ने रखा, जिसका समर्थन एनडीए के सभी शीर्ष नेताओं ने किया। कमलनाथ ने की इस्तीफे की पेशकश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी दीपक बवारिया ने बताया कि कमलनाथ ने अपने इस्तीफे की पेशकश की है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का हालिया लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। वो राज्य की 29 में से महज एक सीट पर जीत सकी है। लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन की समीक्षा के लिए शनिवार को यहां आयोजित कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ नहीं पहुंचे थे। इससे पहले शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कहा कि वे अब अध्यक्ष पद पर बने नहीं रहना चाहते, लेकिन कार्य समिति के सदस्यों ने उन्हें अध्यक्ष पद से इस्तीफा ना देने के लिए कहा। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।